पास मौजूद हैं। अगर आपको इन बहसों में डिटेल्स जाननी है तो मैं आपको उस पर दर्श दे सकता हूँ, वो अगेन अगर आप में आपने जानना है तो बताऊँगा, वरना मैं उसमें ज़्यादा मेहनत क्यों करूँगा इस एक ऐसी चीज़ में जिसमें आप लोगों के इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बहरहाल ये एक इख्तिलाफी मसला है। बाज़ के नज़दीक नफ्स और रूह एक ही शय है, बाज़ कहते हैं कि नफ्स और रूह अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें तहकीक ये है कि नफ्स का इतलाक़ ज़ात पर भी होता है, यानी रूह और बदन के मजमूए पर भी होता है, और सिर्फ रूह पर भी होता है। और रूह और बदन के मजमूए पर इतलाक़ की जो मिसालें हमें मिलती हैं उनमें से एक ये है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वजाहिदू बी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपने मालों और अपने नफ्सों के साथ जिहाद करो, यानी रूह और बदन दोनों का मजमूआ यहाँ जमा हो गया क्योंकि नफ्स के अंदर दोनों दाखिल हो गए। तो लफ्ज़ नफ्स का इतलाक़ किन माना में हो रहा है उसके लिहाज से फिर मीनिंग की जाती है। ये सूरह तौबा की मिसाल हो गई। फिर सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, फतूबू इला बारीकुम फ़क्तुलू अनफुसकुम, अपने खालिक की तरफ तौबा करो और अपने आप को खुद कत्ल करो, यानी रूह और बदन दोनों के मजमूए को कत्ल करना, यानी रूह तो जिस्म से जुदा हो जाएगी ना, फिर रूह तो ख़त्म नहीं होती। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूह को फना नहीं है, ये रूह जिस्म से जुदा हो जाती है जब मौत आती है। और नफ्स, तो ये मिसालें तो हो गई रूह और बदन के मजमूए पर नफ्स का जो इतलाक़ होता है। अब इसी तरह नफ्स का रूह पर जो इतलाक़ होता है, जैसे सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला फरमाता है, वलौ तरा इज़्ज़ालिमून फी ग़मराति الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم, तो और अगर आप उस वक्त देखते जब ये जालिम लोग मौत की सख्तियों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे, कि यहाँ पे जो अखरीजु अनफुसकुम है यहाँ पर रूह के माना में इस्तेमाल हो, कि इनकी रूहों को निकालो, तो नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लेकिन माना रूह है। अच्छा, इसी तरह सूरतुल फजर में अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान, यानी ए जान जो इस मुकाम पर पहुँच गई है कि तू रूहानी तौर पर नफ्स मुतमइन्ना हो गई है। अच्छा, इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुन नाज़िआत में, वनह नफ्स अनिल हवा, और जिसने रूह को ख्वाहिश से रोका, यानी नफ्स को ख्वाहिश से रोका, बेसिकली बाज ने इसका रूह माना किया है, बाज ने नफ्स माना किया, यानी कि नफ्स यानी इंसान ने अपने आप को उस मुकाम पर ले गया कि ख्वाहिशात की इत्तबा से अपने आप को रोका। तो एक तरीके से मजमूआ इंसानी भी इससे मुराद हो सकता है, बहरहाल कई माना में इस्तेमाल होता है। तो नफ्स का इतलाक तो सिर्फ रूह और रूह और बदन के मजमूए पर भी होता है, लेकिन रूह का इतलाक ना सिर्फ बदन पर होता है और ना नफ्स और बदन के मजमूए पर। तो एक तरीके से दोनों डिफरेंट भी हैं और बाज़ माना में इनको सेम भी शुमार किया जाता है, बाज़ दफ़ा मजमूए में भी, इसलिए इसमें मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। बाज़ ने यही कहा है कि नफ्स और रूह का मजमूआ जो है वो कभी नफ्स रूह पर, कभी रूह नफ्स पर, कभी इस किसी ने कहा कि नहीं नफ्स और रूह जो हैं वो अलग अलग हैं, तो इसलिए इसमें बड़ी अबहास हैं। लेकिन द बॉटम लाइन इज़, इसको अब आप यूँ समझें कि इन तमाम बहसों का लुब्बे लबाब क्या होगा, जो समराइज फॉर्म होगा वो ये होगा कि रूह एक लतीफ़ शय है जो आलम अरवा में तख्लीक हो गई है, जिसे जब दुनिया में भेजना है तो एक ज़ाहरी बॉडी देनी है जिसे हम बशर कहते हैं, जो सबको नज़र आती है। उस नज़र आने वाली चीज़ में हयात जिस चीज़ से है, ज़िंदगी जिस चीज़ से, लाइफ जिस चीज़ से, वो रूह है। तो रूह जब इसमें दाखिल कर दी जाती है तो इस बशर में हयात आ जाती है, ज़िंदगी आ जाती है, और जब इस बशर में ज़िंदगी ख़त्म करनी होती है तो रूह इसमें से निकाल ली जाती है और ये जो बशरी पैकर है इसे ज़मीन में दफना दिया जाता है और रूह जो है वो बाकी रहती है। अब रूह का इस बशरी पैकर में आना, दुनिया में उसको साथ टेस्ट के लिए नफ्स लगा दिया, और नफ्स जो है उसके अंदर ख्वाहिशात को पैदा भी करता है, अक्ल और शऊर भी उसके अंदर जगाता है, और उसका महवर जो है वो अक्ल होती है और रूह का महवर दिल होता है, और ये मामला इंसान जो है इन चीज़ों का मुरक्कब है जिसके अंदर नफ्स भी है, रूह भी है, जिस्म भी है। तो जिस्म का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये बशरी तकाजा है, और अंदर जो है वो नफ्स और रूह का इम्तिजाज है, इनके आपस के मेल मिलाप से एक बैलेंस कायम रहता है कि रूह जो है वो रूहानियत की तरफ पुल करती है, नफ्स जो है वो ख्वाहिशात की तरफ पुल करता है, और अगर इन ख्वाहिशात को रूहानियत के ताबे कर दिया जाए तो अच्छी ख्वाहिशात ही जन्म लेंगी और इंसान सिर्फ अच्छाई की तरफ मायल होगा, और अगर गुनाह कर बैठे तो गुनाह की तरफ मलामत करने वाला वो नफ्स लवामा होता है, और बुराई के ऊपर इसरार करके बुराई के अंदर अच्छा मतलब खुश रहने वाला वो नफ्स अम्मारा होता है, और वो जो बुराइयों से पाक होकर इत्मीनान वाली जान हो जाए, राजी बरज़ा होने वाली, तो फिर उसमें दर्जा बदर्जा वो नफ्स कामिला तक पहुंच जाती है। इसकी तकसीम मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाई थी। तो कहने का मकसद ये है कि इख्तिलाफी मसला जो है वो क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया, और इसकी एक समरी फॉर्म भी आपको बता दी ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंटिटी, जिसे ह्यूमन बीइंग को आप इंसान
इंसान कहते हैं ना, इंसान जो है ना आप देखें वो एक, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों के मीनिंग छुपे हुए हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन इंसान मुरक्कब है जिस्म का, नफ्स का और रूह का, ये समझ लें। और मैं समझता हूँ जो आखिरी मैंने आपको एक दो मिनट की समरी दी है इससे, इसको दोबारा रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बात आपको समझ में आ गई होगी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyed Saad Qadri.